हेलो चल, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? बढ़िया, मस्त, मजे में। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम मजे में। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। सो मेरे दोस्त, जियोटेक और स्ट्रक्चर का है एक सेशन, हमने ऐसे ही पहले भी लिया था, आज दूसरा सेशन है। तो पहले स्ट्रक्चर करेंगे, फिर जियोटेक करेंगे, है ना? पहले स्ट्रक्चर करेंगे, फिर जियोटेक करेंगे। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बढ़िया होने चाहिए बस, राइट? सो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ लें। तो स्ट्रक्चर का डीपीपी आप लोगों ने किया था, स्ट्रक्चर का डीपीपी आप लोगों ने किया था। पहला क्वेश्चन नहीं बना? अच्छा, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, जियोटेक में परमिबिलिटी का चलेगा, नहीं बना? ओके, ठीक, कोई बात। तो मेरे दोस्त, बिफोर स्टार्टिंग कुछ अपने बारे में बता दें। मेरा नाम शेद भारतीय, 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ गेट और एसी कैटेगरी में। गेट ऑल इंडिया रैंक 136, क्वालिफाइड एसी पी एंड मेंस इन 2015 एंड गॉट सिलेक्टेड इन आरबीएनएल। Qualified various state exams and awarded as GATE ESE Iconic Educator of the Year in 2022 and taught more than 1 lakh students if I take both online and offline. So my dear friend, start kiya jaye, pehla question nahi bana. Okay, let's see, let's see, dekhte hain. Pehla question nahi bana na aapse. ESE mein rank nahi tha mera. ESE मैं इंटरव्यू तक गए थे हम, और वहाँ पे मेरा 30 मार्क्स से रह गया था इन 2015, और उसके बाद से मैंने अटेम्प्ट ही नहीं दिया। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है, राइट? चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान देंगे। देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट लिंक का है। यहां कॉन्सेप्ट किसका बन रहा है? लिंक का बन रहा है। जहां पे मेंबर एजी जो होगा, जहां पे जो मेंबर एजी होगा, वहां पे क्या आएगा? मेंबर एजी, जहां पे आपका जी सपोर्ट है, जी सपोर्ट पे आपको क्या मिलने वाला है? हाँ, एक्सियल, डेट इज वर्टिकल। यहां पे नीचे में भी आपको एक्सियल, डेट इज वर्टिकल, और यहां पे आपको मिल रहा है हॉरिजॉन्टल। यही मिलेगा दोस्त, यही मिलेगा, बोलोगे यार? अब अगर ये मिलेगा तो इस 10 को बैलेंस करने वाला कौन है? इस 10 को बैलेंस करने वाला कौन है? सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल है, राइट? ये 10 को बैलेंस करने वाला सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल है, सही बात है? ये 10 को बैलेंस करने वाला सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये हो गया 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखो, ये 20 है, ये 10 है, और इधर 5 है। अब यही 3 बचा, तो ये 30 मान ले, ये 30 मान ले, ये 30 के कारण ए पे कितना आएगा अपवर्ड में? 30 × 2/6, और इधर कितना आएगा? 30 × 4/6 आएगा क्या? बोलोगे यार? इस 30 के कारण, 20 और 10, 30 × 2/6, 30 × 4/6, तो 6 × 5 = 30, ये हो गया कितना? 10, ये हो गया कितना? 20। अब आओ 5 के कारण, तो 5 के कारण इधर क्या होगा? 5 × 4/6, डेट इज व्हाट? 2/3, 10 by 3, that is 3.33, और इधर कितना आ रहा है? 5 × 2/6, that is how much? 1/3, 5/3, 1.67. So vertical at G, vertical at D, horizontal at H. Clear हो गया सबको? Reaction समझ में आ गया?
रिएक्शन समझ में आ गया, ये वैल्यू आपका 21.67, ये वैल्यू आपका 13.33। इस हॉरिजॉन्टल के कारण कोई कपल आ रहा है क्या? इस हॉरिजॉन्टल के कारण कोई कपल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इस हॉरिजॉन्टल के कारण कोई कपल नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं फ्रेश डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, सो लेट अस ड्रॉ द फ्रेश डायग्राम। देखो सिंपल सा बात है, अगर तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा तो तुम मेरे से पढ़ने क्यों आएगा? सही बात है क्या? ट्रिक सीखने आएगा। चलो गुड। हाँ भाई सर, सीडी मेंबर पे फोर्स जाएगा 20 का, उससे भी इग्नोर करेंगे। अभी आ रहे आ रहे, उस पे आ रहे तुम्हारा, अभी मेंबर पे नहीं ना है बेटा। अभी तो हम जब सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो सपोर्ट रिएक्शन निकालते समय क्या हम ये देखेंगे कि आपके मेंबर में क्या जा रहा है? बोलोगे यार, क्या सपोर्ट रिएक्शन निकालते समय हम ये देखेंगे कि मेंबर पे क्या जा रहा है? नहीं ना, नहीं ना। तो अभी मेंबर पे भी आते हैं, वेलकम एट द मेंबर। अभी तो इसीलिए आपको अलग से बना के आपको दे रहा हूं, इसीलिए तो आपको अलग से बना के दे रहा हूं। दो मीटर 1.5 मीटर ये दिया हुआ है, 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन है ना, 5 और 10 किलो न्यूटन। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है भाई? GAFD, ABCDEF पहले ये बना देते हैं, ABCDEF, GHGHI कर दे रहे इसको। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन आपने दे दिया था, निकाल लिया आपने। जी पे कितना आया 13.33 किलो न्यूटन। आई पे कितना आया 21.67 किलो न्यूटन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, और मेरे दोस्त आपका लास्ट यहां पे कितना आया? 10 किलो न्यूटन। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलोगे यार सर 20 के कारण नहीं आएगा? आया तो बेटा 20 के कारण, यहां पे 20 प्लस 10 30 था ना, 20 प्लस 10। अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं तो मेरा 30 का लोड दिख रहा है ना, 30 को ही तो बैलेंस क्या है, 30 × 2/6, 30 × 4/6, तभी तो आपका यहाँ पे 10 आया या 20 आया है। चलिए ठीक, अब मेंबर पे आते हैं, जी ज्वाइंट पे जरा बात करिए। तो कम टू द जी ज्वाइंट, लुक एट द जी ज्वाइंट। तो अगर आप जी ज्वाइंट पे बात करोगे तो भाई मेरे आपको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड। तो कैन यू सी द कंप्रेशन ऑफ 13.33? टेल मी यस और नो, कैन यू सी द कंप्रेशन ऑफ 13.33? अब यहां पे थीटा दिख रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा? ये अगर देखो मेरी बात समझेंगे जो बोलना चाहिए। इट्स नॉट 45 रे बाबा, ये 1.5 है, ये 2 है, समझे? अब देखो मेरी जो बात मैं बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, ये लेंथ क्या होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB?
रूट ओवर टू का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, सो 1.5 इज व्हाट, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25, तो ये हो गया 6.25, तो ये हो गया 2.5 मीटर, ये हो गया 2.5 मीटर, तो ये आया 2.5। तो हम बेवकूफी नहीं करेंगे बैठ के, हम एंगल निकालेंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि हमको जरूरत तो साइन थीटा कॉस थीटा का ही पड़ेगा, तो साइन थीटा हम क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द साइन थीटा, अगर हम थीटा ले रहे हैं तो साइन थीटा क्या होगा, 1.5 बाई 2.5 है ना, एंड व्हाट विल बी कॉस थीटा, कॉस थीटा विल बी 2 बाई 2.5 है ना, तो ये क्या हो गया 3/5, ये क्या हो गया 4/5, इज इट क्लियर, 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो अब ए ज्वाइंट को वर्टिकल में बैलेंस करेंगे, ए ज्वाइंट को वर्टिकल में बैलेंस करेंगे, बोलो क्या आएगा, ए पे आपको टुवर्ड्स द ज्वाइंट आ रहा है, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट आ रहा है, ए ज्वाइंट को वर्टिकल में बैलेंस कर रहे हो, ए ज्वाइंट को वर्टिकल में बैलेंस कर रहे हो, टुवर्ड्स द ज्वाइंट आ रहा है, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट आ रहा है, टुवर्ड्स द ज्वाइंट आ रहा है, टुवर्ड्स द ज्वाइंट आ रहा है, तो अगर टुवर्ड्स द ज्वाइंट आ रहा है तो यहां पे क्या मान लो, इसको बोल रहे हो एफ, मान लो इस पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एफ, क्या बोल रहे हैं, हम एफ बोल रहे हैं, लेट अस से इट इज एफ, तो अगर ये एफ है तो आप क्या लिखोगे, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा 13.33 इज नथिंग बट 40/3, 13.33 इज नथिंग बट 40, लिख सकते हैं ना, ये 10 है, ये आपका कितना आया था 10/3, तो 40/3, तो साइन थीटा आपका क्या है 3/5, एफ इंटू 3/5 इज इक्वल टू 40/3, तो एफ बराबर क्या आ गया 200/9, 200/9 आ गया, एफ बराबर 200/9, ये हो गया 200/9। अब AF पे बताओ, what will happen to AF? What will happen to AF? Tension आएगा, tension आएगा, और force क्या लिखोगे? F cos theta, यही AF होगा. Force in the member AF is nothing but F cos theta. So 200/9 multiply with, ये क्या हो जाएगा 200/9 मल्टीप्लाई विथ 4/5 कितना आ रहा है 160/9, 160/9 सबका आ रहा है, 160/9 सबका आ रहा है। अब देखो F ज्वाइंट को बैलेंस करोगे, जितना लेफ्ट में उतना राइट में, यस, तो ये हो गया 160/9, जितना डाउनवर्ड उतना अपवर्ड, That is fine. कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक, anyone having any doubt? ये 21.67, 21.67 को क्या लिख सकते हो तुम 5/3, 65/3 लिख दे, 65/3 लिख दे, हाँ भाई, तो 65/3 लिख दिए तो ये भी आपका 65/3 आ जाएगा। बोलोगे यार ये थीटा वही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, ये थीटा वही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, तो अगर ये अपवर्ड जा रहा है डी पे तो यहां पे डाउनवर्ड आएगा, यस, इसको मान ले अगर एफ वन, तो अब क्या लिखोगे एफ वन साइन थीटा इज इक्वल टू 65/3, यस और नो, थीटा वही रहेगा क्योंकि अभी भी 1.5 और 2 दिख रहा है, तो F1 बराबर क्या हो गया साइन थीटा 3/5, तो 65 × 5/3 दैट इज नथिंग बट 325/9। कोई डाउट यहां पे, कोई डाउट यहां पे? नाउ फॉर द मेंबर DE, फॉर द मेंबर DE क्या आएगा, फॉर द मेंबर DE क्या आएगा, टेंशन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा F1 cos theta, this is F1 cos theta, क्या रहा है वैल्यू बोलो,
कॉस थीटा इज 4/5, मल्टीप्लाई दिस विद 4/5, कितना आ रहा है 260/9 आ रहा है, 260/9 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। अब देखो यहां पे सी पे हमको एनालिसिस करना इजी होगा, सी जॉइंट पे मेरे को ये देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो तो ये ले गया, मेंबर सी एच पे आ गया 10 किलो न्यूटन सी एच पे आ गया। अब जरा देखो यहां पे ये मेंबर का हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आएगा, अगर मैं सी जॉइंट पे ध्यान दूं, इफ आई लुक एट द सी जॉइंट, लुक एट द सी जॉइंट एवरीवन, एट द सी जॉइंट देयर इज अ डाउनवर्ड 20, देयर इज हॉरिजॉन्टल, देयर इज इंक्लाइंड, ठीक है, मेरे पास एक वर्टिकल मेंबर है एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है दोस्त, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, दिस इज थीटा, ये 10 किलो न्यूटन है, ये 20 किलो न्यूटन है और ये 325/9 है, आराम से पेशेंस होके सुनो पहले, तो आपको अगर हॉरिजॉन्टल देखना है तो हॉरिजॉन्टल कैसे निकालोगे, सोच के देखे जरा, ये दोनों इसी साइड जा रहे हैं तो बैलेंस ऑपोजिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 प्लस इसका कॉस थीटा प्लस 10 इसके बराबर होगा क्या, इसका कॉस थीटा प्लस 10 इसके बराबर होगा क्या, बोलो क्या, सो 325/9 इंटू कॉस थीटा कितना हुआ, 325/9 इंटू कॉस थीटा कितना हुआ, बोलो, ये 260/9 हो गया, 260/9 प्लस 10, 260/9 प्लस 10, 350/9, तो भैया यहां पे आ गया आपका 350/9, कोई डाउट यहां पे, दिस बिकम 350/9, ठीक है, नाउ इसका वर्टिकल साइन थीटा, अगर तुम यहां बात करोगे कि 325/9 का वर्टिकल कंपोनेंट विच इज नथिंग बट हाउ मच 325/9, भैया सी पे अगर तुम वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, नथिंग बट आपका 325/9 का वर्टिकल कंपोनेंट नथिंग बट 65/3 आ जाएगा, सो दैट इज 65/3, तो 65/3 20 से बड़ा है या छोटा है, 65/3 20 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, और अगर बड़ा है तो मतलब ये नेट अभी अपवर्ड लग रहा है, सी पे वर्टिकल में नेट अपवर्ड लग रहा है, तो बैलेंस कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, और ये डाउनवर्ड कितना हो जाएगा 5/3, ये डाउनवर्ड कितना हो गया 5/3, डाउनवर्ड कितना हो गया 5/3, सिर्फ एक मेंबर बच गया, अब सिर्फ एक मेंबर बच गया, लुक एट दिस, ओनली वन मेंबर इज लेफ्ट, तो ये एंगल भी सेम होगा, दैट विल बी थीटा, लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ, ये वाला क्लियर नहीं हुआ, वर्टिकल में क्लियर नहीं हुआ, भैया मेरे एक डाउनवर्ड दिख रहा है आपको, एक इंक्लाइंड दिख रहा है आपको और एक वर्टिकल दिख रहा है आपको, तो ये वैल्यू आपका कितना है 325/9, ये वैल्यू आपका कितना है 20, आपको इसका बताना है, तो मेरे दोस्त 325/9 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, वो तो तुम ऑलरेडी बैलेंस करके निकाले हुए हो, देखो तो यहाँ पे 325 का वर्टिकल कंपोनेंट ऑलरेडी तुम निकाले हो 65/3, तो 65/3 अपवर्ड 20 डाउनवर्ड कितना बचेगा, 65/3 अपवर्ड 20 डाउनवर्ड कितना बचेगा, 5/3 बचेगा, 5/3 अपवर्ड बैलेंस बाई डाउनवर्ड 5/3, अब समझ में आ गया सेलिम, अब समझ में आ गया, यस, चलिए अब मेरा ये लास्ट बचा इंक्लाइन, फटाफट बता दो क्या होगा, अब मेरा लास्ट बचा यहां पे इंक्लाइन,
एट दिस ज्वाइंट अगर हम देखें, एट दिस ज्वाइंट अगर हम देखें, या तो आप डायरेक्ट बी पे भी से भी निकाल सकते हो। अगर मैं बी से निकालूं तो शायद जल्दी बन जाएगा, क्योंकि 200 बटे 9 का वर्टिकल कंपोनेंट ऑलरेडी 13.33 हमको पता है, तो 13.33 हो जाएगा इसका अपवर्ड, 5 डाउनवर्ड, बचा कितना, बचा कितना 8.33, बचा कितना 8.33, बोलो तो। मैं आपको दोनों साइड ले चल रहा हूं, जैसे ये वाला बात कर रहे हैं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है 13.33 जो ऊपर जाएगा, और 5 लग रहा है नीचे की तरफ, तो नेट हो गया अपवर्ड बैलेंस बाय डाउनवर्ड। तो ये जो वैल्यू होगा, दिस इज 8.33, इधर से हमको मिल रहा है। इधर से भी चेक कर लेते हैं, इधर से भी चेक कर लेते हैं, एट दिस ज्वाइंट 10 डाउनवर्ड 5/3 अपवर्ड, दिख रहा है सबको, एट दिस ज्वाइंट ई 10 डाउनवर्ड 5/3 अपवर्ड, नेट डाउनवर्ड कितना दिखेगा, नेट डाउनवर्ड कितना दिखेगा, 8.33 दिख रहा है। अगर 8.33 डाउनवर्ड दिख रहा है, अच्छा रुको, 8.33 डाउनवर्ड उसका कंपोनेंट कितना होगा, राइट 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 राइट, 8.33 तो डाउनवर्ड उसका कंपोनेंट कितना होगा, दिस एंगल इज थीटा लेट अस से, तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8.33, कितना आ रहा है वैल्यू, 11.83 आ रहा है, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है 11.83, नहीं वैल्यू निकाल लो भाई, कोई हड़बड़ी नहीं है, वैल्यू निकाल लीजिए, ये वैल्यू वर्टिकल में बैलेंस होके वैल्यू मेरा 8.33 आ रहा है, ये एंगल मेरा थीटा है, तो हम क्या लिख रहे हैं, एफ डैश साइन थीटा इज इक्वल टू 8.33, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं 8.33, तो एफ डैश बराबर क्या हो गया, 8.33 इंटू साइन थीटा आपका क्या है 3/5, तो ये हो गया 5/3, कितना रहा वैल्यू 13.8389, ओके, चलिए समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, बोलोगे यार, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था, यस क्लियर है। तो आपको डीपीपी में स्ट्रक्चर के मैंने 5 क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो 5 क्वेश्चन में कितना दिमाग लगा ये इंपॉर्टेंट है ना भैया मेरे, हम इसको एफ डैश बोल रहे हैं, श्रवण इसको मैं एफ डैश बोल रहे हैं, लुक एट द जॉइंट बी, जॉइंट ई से बैलेंस नहीं हो रहा शायद, करवा दिए तो अरे भाई मेरे, तो तुम सीख ही तो रहे हो ना, टाइम लग रहा है, तो मैंने क्या बोला, या तो गधों की तरह बनाओ, टेंशन मांग के एक एक करके सॉल्व करो, या तो स्ट्रक्चर को फील कर लो, ठीक है, या तो स्ट्रक्चर को फील कर लो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, स्ट्रक्चर फीलिंग ऐसे होगा, ठीक है, ताकि तुमसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम बनाने के लिए रेडी होगे, इज इट क्लियर, बात समझे। हाँ भाई, तो एक तो आपने ऐसे किया, दूसरा मैं यहाँ पे अगर मान लो मेरे को बीसी बी पे निकालना है, हम सेक्शन कट कर देंगे, मान लो हमको बी पे निकालना है, सेक्शन कट कर दो, सेक्शन अगर कट करते हो तो तुम्हारे को मान लो बी पे निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, यू ऑलरेडी हैव दिस सपोर्ट रिएक्शन, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट क्यों लगाओगे यार, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो 13.33 अपवर्ड 5 डाउनवर्ड, 8.33 डाउनवर्ड दिख रहा है, 8.33 डाउनवर्ड दिख रहा है, तो मान लो इस पे फोर्स एफ डैश है, तो एफ डैश साइन थीटा यही 8.33 के बराबर होगा, एफ डैश आ गया, चलिए क्लियर है बात, मजा आया सवाल में, यस इट इज टाइम टेकिंग, लेकिन क्या सीखने को मिला क्या, यस इट इज टाइम टेकिंग, लेकिन क्या सीखने को मिला क्या, यस चलिए नेक्स्ट। अब ये तो जल्दी बन गया होगा, ये तो जल्दी बन गया होगा, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी, हाँ भाई, इस हॉरिजॉन्टल को कौन बैलेंस करेगा, इस हॉरिजॉन्टल को कौन बैलेंस करेगा,
ए पे बैलेंस कर दे 5, वर्टिकल को पहले बैलेंस कर दो, वर्टिकल 10 20 30, 15 15, लेकिन क्या अभी भी ये बैलेंस है क्या? क्या अभी भी ये बैलेंस है क्या? नो, देर इज अ कपल, देर इज अ कपल ऑफ 5 into 3, देर इज अ कपल ऑफ 5 into 3, है ना, 5 3 15, तो कपल को बैलेंस क्या करेंगे? बाई द ऑपोजिट कपल, तो दिस इज क्लॉकवाइज बैलेंस बाई एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये फोर्स एफ है, तो एफ इंटू थ्री या एफ इंटू फोर इज इक्वल टू 5 into 3, यही होगा। तो एफ बराबर क्या हो गया? 15 by 4, विच इज नथिंग बट 3.75। एफ हो गया आपका 3.75, दिस इज ऑल्सो 3.75। तो मेरे दोस्त यहां से आपका नेट क्या हो जाएगा? ये नेट क्या हो जाएगा? 15 minus 3.75, तो 11.25। और यहां पे नेट क्या हो जाएगा? 15 plus 3.75, दैट इज 18.75 किलोन्यूटन। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? कितनों का यही आया था? कितनों का यही आया था? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द सेम आंसर? आया था, गुड। नाउ मेरे को ये थीटा चाहिए भाई, मेरे को ये थीटा चाहिए, यस और नो? तो ये दो है, ये तीन है। टैन थीटा, टैन थीटा क्या हो गया आपका? टैन थीटा क्या हो गया? 3 by 2। थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा इज 3 by 2, थीटा बराबर क्या होगा? 56.31 डिग्री, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब यहां पे जरा ध्यान देंगे, इस ए बी को बैलेंस, ए बी किसके लिए आ रहा है? 11.25 को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। ये ए बी किसके आ रहा है बैलेंस करने के लिए? 11.25, जो कि अपवर्ड लग रहा है। सो बैलेंस बाई डाउनवर्ड, बैलेंस बाई डाउनवर्ड। मान लो ये फोर्स एफ है, तो आप क्या लिखोगे? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 11.25 के। तो एफ बराबर कितना आ रहा है दोस्त? एफ बराबर कितना आ रहा है? 13.52। एफ कम्स आउट टू बी 13.52 किलो न्यूटन। ओके, दिस इज 13.52 किलो न्यूटन। नाउ कंप्रेशन है, क्लियर होना चाहिए। फोर्स इन मेंबर एडी, फोर्स इन मेंबर एडी क्या लिखोगे? बहुत आराम से, हड़बड़ाओगे नहीं। इसका कंपोनेंट कितना आ रहा है? ये भी लेफ्ट में आ रहा है, 5 भी लेफ्ट में आ रहा है। तो फोर्स इन मेंबर एडी साफ पता चल गया कि टेंशन होगा। सो कितना होगा? एफ कॉस थीटा प्लस 5, बोलो मेरे दोस्त, हाँ या ना? एफ कॉस थीटा प्लस 5, यस और नो? कितना आ रहा है वैल्यू? क्योंकि एट दिस जॉइंट हॉरिजॉन्टल दोनों दिख रहा है हमको लेफ्ट की तरफ, जो हमको पता है, जो निकालना पड़ेगा, टेंशन में आएगा। कितना आ रहा वैल्यू? 12.5 टेंशन। चलिए, तो ये आ गया 12.5, ये भी आ जाएगा 12.5। हाँ भाई, ये डाउनवर्ड बैलेंस भाई अपवर्ड 20। अब बचा सिर्फ ये सी ज्वाइंट, बचा सिर्फ ये सी ज्वाइंट। तो अब बताओ मेरे को, इस सी ज्वाइंट पे क्या आएगा? टेंशन आएगा, कंप्रेशन आएगा? कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे? फोर्स इन द मेंबर बीसी इंटू साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 18.75, यस और नो? या तुम लिख सकते थे फोर्स इन द मेंबर बीसी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12.5। दोनों से आपका आंसर सेम आना चाहिए। फोर्स इन द मेंबर बीसी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12.5, दोनों से आपका आंसर सेम आना चाहिए। चेक करो तो आ रहा है क्या? चेक करो तो आ रहा है क्या? चेक करो तो आ रहा है क्या?
एवरीवन प्लीज चेक, क्या इससे और इससे दोनों से सेम आंसर आ रहा है क्या? देखो आपने अगर देखा यहां पे तो मैं बी ज्वाइंट पे गया ही नहीं, आपने अगर यहां पे देखा तो मैंने बी ज्वाइंट पे मैं गया ही नहीं, क्यों? बहुत सारे फोर्सेस हमको दिख रहे थे तो मैं बी ज्वाइंट पे गया ही नहीं, मैं बाकी ज्वाइंट से मेरे क्वेश्चन बन गए। कितनों ने बी ज्वाइंट पे जाके क्वेश्चन लगाया था? ठीक है, तो अगर किसी ज्वाइंट पे बहुत ज्यादा मेंबर है उस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, बाकियों से बन रहा उससे बना के खत्म करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? बोलोगे यार कितनों का सही बना था, कितनों का सही बना था? सिर्फ दो लोग का सही बना था बस। अच्छा इतनों का बन गया था, कोई बात नहीं। क्लियर है? क्लियर है? बड़े आगे, बड़े आगे दिस क्वेश्चन। अब सवाल में मैंने पूछ दिया स्ट्रेन एनर्जी इन द मेंबर ए एफ, प्रीवियस में डाउट है, क्या डाउट है? रुक जा भाई, डाउट ले लेते एक बार इनका। हाँ बोलो, क्या डाउट है? बोले क्या डाउट है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बोल रहा हूँ कि हम लोग जो एंटी क्लॉकवाइज जो कपल दिया है ना, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज ही देना है तो अगर फाइव हमारा आउटवर्ड जा रहा है बी ज्वाइंट से, ठीक है, तो ए ज्वाइंट पे हम आउटर वार्ड भी दे दिया तो वो क्लॉकवाइज हो गया। भैया पहले हमने हॉरिजॉन्टल को बैलेंस किया है, हाँ राइट बैलेंस बाय लेफ्ट, सो दिस इज क्रिएटिंग अ क्लॉकवाइज कपल, ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस, सर इसको बैलेंस करने के लिए हम सी पे भी तो आउटवर्ड दे सकते हैं और बी पे भी आउटवर्ड ऑपोजिट फाइव का ऑपोजिट दे सकते हैं। बी क्या कोई सपोर्ट है जो तुम दे दोगे अपने मन से? कपल का, अच्छा कपल कहीं भी नहीं लगा सकते अपने मन से, कहीं भी उड़ा के लगा दोगे? भैया दो सपोर्ट जो पैरेलल रिएक्शन दे सकता है वहीं पे लगाओगे ना, ऐसे तो कहीं भी कुछ भी लग जाएगा। हाँ कपल लग रहा है तो बैलेंस वही करेगा, जो सपोर्ट जो रिएक्शन देगा वही बैलेंस करेगा ना। सपोर्ट पे मतलब जो बैलेंस करेगा उसके उसके पास ही कपल लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पैरेलल रिएक्शन दे रहा वही ना बैलेंस करेगा। अरे okay, भाई मेरे ये कपल बन रहा है, कपल कौन बैलेंस करेगा? कोई एक्सटर्नल लोड कौन बैलेंस करता है? सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। या सपोर्ट कौन है? नीचे दो सपोर्ट है। हाँ कौन है? एक हिंज है, ए और सी। ए और सी यही बैलेंस करेगा। हाँ तो बैलेंस कपल से ही करेगा। अच्छा तो भाई आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डेवलप कराना है। हो गया बैलेंस? ओके सर, थैंक यू। एक बार डी ज्वाइंट को बैलेंस करके दिखा दो। अरे बाबा तुम्हारे यहाँ पे 12:30 आया था, ये देखो ये 12:30 आया था, यस और नो? यहाँ 20 दिया था, तो आपको हॉरिजॉन्टल बैलेंस भाई हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बैलेंस भाई वर्टिकल, खत्म कहानी। हाँ भाई क्लियर? क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया बात? इंक्लाइन, अरे बाबा जब डी ज्वाइंट पे तो कहां कोई इंक्लाइन मेंबर है? एट डी ज्वाइंट इज देयर एनी इंक्लाइन मेंबर? नो। सो व्हाई यू लुक एट द इंक्लाइन मेंबर एट द डी ज्वाइंट? चलिए ये कितनों से बना था? कुणाल नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। मैंने
कल मॉर्निंग में आपको स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला कराया था, ट्रस में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला कराया था। तो मान लो मेंबर एएफ है, तो एएफ मेंबर में स्ट्रेन एनर्जी क्या लिखोगे? नहीं, स्ट्रेन एनर्जी बोल रहे हैं पी स्क्वायर एल बाई टू ए, किसी भी मेंबर के लिए। जब पूरे ट्रस के लिए बात करोगे तो लिखोगे समेशन। तो सबसे पहले आपको मेंबर एएफ में क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको मेंबर एएफ में क्या निकालना होगा, फोर्स निकालना होगा। कैसे निकालेंगे फोर्स? सेक्शन कट कर दो। अगर राइट में लोगे तो रिएक्शन निकालना पड़ेगा, अगर राइट में लोगे तो रिएक्शन निकालना पड़ेगा, और ये इनडिटर्मिनेट है कि नहीं है? अगर राइट में लोगे तो रिएक्शन निकालना पड़ेगा और ये इनडिटर्मिनेट है, तो हम किधर ले रहे हैं? लेफ्ट में ले रहे हैं। अगर लेफ्ट में ले रहे हो, मेंबर एएफ में फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अगर लेफ्ट में ले मतलब लेफ्ट में आप ले रहे हो तो आपको क्या निकालना है? सपोर्ट रिएक्शन है तो टेक इट इन द राइट। भाई मेरे ये सेक्शन मान लो वन वन। बोलोगे सर कितना आसान था, सोचा नहीं हमने। टेक राइट ऑफ वन वन, और यहां पे हम क्या ले रहे हैं? वो पॉइंट लेने जा रहे हैं जहां से बाकी दोनों पास कर रहा है, दैट इज डी इज इक्वल टू जीरो। लेट अस टेक क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। हाँ सर लिखवाइए। तो ये दोनों तो कुछ मोमेंट देगा नहीं, ये जो ए बी और ये जो सी एफ कट है ये तो कोई मोमेंट देगा नहीं, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है। ये दस के कारण क्या आएगा? ये दस के कारण 10 into 4, ये 20 के कारण, ये 20 के कारण -20 into 2। और कोई फोर्स है जो यहां पे मोमेंट दे सकता है अपार्ट फ्रॉम एएफ? अपार्ट फ्रॉम एएफ और कोई फोर्स है जो मोमेंट दे सकता है? नो, कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है, राइट? नो वन कैन गिव, नो वन कैन गिव। सो माय डियर फ्रेंड, नेट मोमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। तो मान लो कुछ फोर्स आता भी, फोर्स इन द मेंबर एएफ, आई डोंट नो द डिस्टेंस, क्योंकि इंक्लाइन मेंबर है, ये इंक्लाइन मेंबर है। यहां पे कोई परपेंडिकुलर तो लिखा नहीं था, यहां पे कोई परपेंडिकुलर तो लिखा नहीं था। फोर्स इनटू मेंबर एएफ इनटू लीवर आर्म इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो हो गया जब, तो लीवर आर्म कुछ भी हो, फोर्स इन द मेंबर एएफ क्या आएगा? जीरो आएगा। और अगर फोर्स इन द मेंबर जीरो एएफ जीरो आ गया तो आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या आएगा? मजा आया सवाल में? मजा आया सवाल में? बोलो भाई लो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट। सर डिस्टेंस निकालने बैठ गए थे हम फॉर्मूला देख के नहीं बनाए, इसमें पता नहीं क्या क्या, और ये ऐसे हो गया। एफ आई क्यों नहीं लिए बेटा मेरे? एफ आई कैसे ले सकते हो? दो इंक्लाइन मेंबर हो गया ना। तो भाई मेरे, तुम्हारे और मेरे में कुछ तो अंतर होगा ना, कि आपको टाइम लग रहा है, मेरे को 2 सेकंड में, या टाइम तुरंत में बना दे रहा हूं। उसका रीजन है कि यार देखो, मेरा जो प्रैक्टिस है वो तो अलग है ना। टेल मी यस और नो, दोनों का कंपोनेंट ले लोगे तो दो अननोन आ जाएगा ना, दोनों का कंपोनेंट ले लोगे दो अननोन आ जाएगा, यस और नो? चलो, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर तुम इधर लेते तो ये तुम्हारा फोर्स मानते हैं, हम इसको परपेंडिकुलर मांग के 3 + 3 6 मांग के बना सकते थे, समझे? दूरी ऐसे नहीं निकाल, ऐसा नहीं निकाल, जब जब डाटा कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन हो जाता, ये तुम्हारा 6 मीटर हो जाता, ठीक है? क्लियर है बात? ओके नेक्स्ट।
मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, वहां पे वो सब नहीं दिया था, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए नेक्स्ट, ये तो इजी होगा यार, ये तो तुम बना लियोगे। फोर्स इन द मेंबर जी एल, ये तुम बना लियोगे, ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बना लियोगे। फोर्स इन द मेंबर जी एल, अलग अलग आंसर आ रहा है भाई। एक आया 10√2 कंप्रेशन, एक आया 5√2 कंप्रेशन, एक आया 0, और डी हम बोल देते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जिसका आंसर नन ऑफ दीज में बता देना। चलो बताओ, पता है व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर? द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज तुमको बनाते समय टाइम का पता नहीं चलता। अगर तुम सही में पढ़ रहे हो, अगर तुम सही में तुम बना रहे हो, तो स्ट्रक्चर में बनाते समय टाइम का पता नहीं चलता। देखो, जब सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कैप्चर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कैप्चर करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस और नो? बिना मेहनत के आज तक किसी को कुछ मिला है क्या? बिना मेहनत के आज तक किसी को मिला है क्या? कुछ नहीं मिला है फिर। चलो देखो यहाँ पे, तो भाई मेरे 0 0 0 समझ में आया कि नहीं सबको? ये जो 0 0 0 0 की समझ में आया सबको? यस। अब हम एल ज्वाइंट पे अगर ध्यान दे, तो यहां पे मेरा अवे 20 है, ठीक है, मेरे दो मेंबर थे तो मुझे बैलेंस करना था। अगर आप होशियार हो गया, बैलेंस इजीली कर लियोगे, तो एक डाउनवर्ड दिखाओ, एक अपवर्ड दिखाओ। ये चीज ऑलरेडी समझा चुके आपको, ये चीज ऑलरेडी समझा चुके आपको। दोनों फोर्स सेम होगा, क्यों सेम होगा? क्योंकि वर्टिकल बैलेंस करना है और एंगल वर्टिकल से सेम है, डेट इज 45। एंगल वर्टिकल से सेम है, डेट इज 45। यस और नो? वर्टिकल से एंगल सेम है, डेट इज 45। इसलिए दोनों फोर्स क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो यहां से सिंपल आ गया, 2f sin 45 इज इक्वल टू 20। साइन 45 इज 1/√2 हो गया, √2 f बराबर हो गया 20/√2। 20/√2 रेस्टलाइज करेंगे, √2 √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट 10√2। सो 10√2 यहां पे आपको मिल गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलोगे यार, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट, डिटरमाइन द जीरो फोर्स मेंबर। 8 आया था, 8 आ गया था, क्या बात है, सीख गए हो। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो भैया ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। यस, ये भी जीरो, ये भी जीरो, खत्म। यही होगा 8, दीज आर 8, नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर्स आर 8। इतना ही क्वेश्चन दिए थे? ए जबरदस्ती ऑल मेंबर फोर्स फाइंड करवाओगी? हाँ, बाकियों को मानना है, दो दिया बाकियों को मानिए, कनेक्शन तो वैसे ही होगा ना यार, फिर तुम सॉल्व करवाओगे। चलो करो, मजा आता है तुमको सॉल्व करने में, लोग करो, करवा देते हैं। तो 10√2 ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये 10√2 क्या हो जाएगा? ये 10√2 क्या हो जाएगा? इधर है तो ये टेंशन में आएगा, दिस विल बी 10, ठीक है। अब यहां पे जी ज्वाइंट पे 10 नीचे तो 10 ऊपर, हाँ भाई,
जी ज्वाइंट पे 10 नीचे तो 10 ऊपर, सी ज्वाइंट पे 10 ऊपर 10 नीचे, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहां पे लुक एट द के ज्वाइंट, लुक एट द के ज्वाइंट, नेट मेरा किधर दिख रहा है, राइट की तरफ, कितना दिख रहा है राइट की तरफ, 20 दिख रहा है, दिख रहा है क्या राइट तरफ 20 दिख रहा है, तो इस पे कितना चल जाएगा, इस पे चल जाएगा 20/2 दैट इज 10√2, इस पे 10√2 जाएगा और इस पे भी कितना जाएगा 10√2 जाएगा जाएगा। अब बी ज्वाइंट पे ध्यान दीजिए, बी ज्वाइंट पे हॉरिजॉन्टल में कितना होगा 10 होगा, तो डाउनवर्ड कितना होगा 10 + 10 = 20 आपको यहां दिख रहा है। सिमिलरली यहां बात करोगे ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा क्या, तो यहां पे भी ऊपर कितना आएगा, यहां पे ऊपर क्या 10 10 20, ये हो गया 20, क्लियर है बात। अब ये 10 10 10 मिलके हो गया 20, तो 20 अगर हो गया तो ये कितना हुआ, दिस इज 10√2 और ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर 10√2, क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब इस ज्वाइंट पे अगर बात कर रहे हो तो 10√2 20, तो कंपोनेंट कितना हो गया, कंपोनेंट कितना हो गया 10 हो गया क्या, दिस इज कंपोनेंट 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल तो आएगा नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर दिए। वर्टिकल कितना आया 20 आया रिएक्शन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, दिस इज 20 + 10 दैट इज 30, दिस इज 30। हाँ भाई यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 आपका राइट में तो 20 आपका लेफ्ट में, यस और नो, 20 + 10 = 30 अप तो 30 डाउन, यस और नो, बोलोगे यार सारे बैलेंस हो गए, चेक कर लो सारे बैलेंस हो गए, चेक कर लो, चेक कर लो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसा हम बनवा दिए थे ना आपको, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको ऐसा बनवा दिए थे, अरे बोल नहीं रहा है कुछ तुम लोग। हाँ भाई सर थर्ड क्वेश्चन में डाउट आया था, सॉल्व आंसर साथ नहीं है कि क्लास, कल की क्लास में पूछ लूं, सॉल्व कर लिए थे, ओके गुड। थर्ड क्वेश्चन में डाउट आया था, सॉल्व आंसर साथ नहीं है, कल पूछ लेना कोई बात नहीं सर, लेकिन एग्जाम में ज्वाइंट लेकर स्टेप नहीं 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 करना है भैया, ये मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ। एफ जी पे बता दे बेटा, लुक एट द ज्वाइंट एफ, ये तो पहले ही जीरो हो गया, तो इस ज्वाइंट पे ब्रह्मास्त्र 3 लग रहा है क्या, दो मेंबर फोर्स इन द थर्ड इज जीरो, लुक एट द ज्वाइंट एफ, ब्रह्मास्त्र 3 लग रहा है क्या, ठीक है। सो आई थिंक वी कंप्लीटेड, इतना ही क्वेश्चन आपको दिए थे, आई थिंक स्ट्रक्चर में इतना ही क्वेश्चन आपको दिए थे, यस yes? तो मेरे दोस्त जो भी बच्चे नया बैच अभी ज्वाइन किए हो, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, मेरा स्ट्रक्चर तो आपका शुरू हुआ ही था एक हफ्ता पहले, ठीक है। और मेरे दोस्त जो भी बच्चे आगे ज्वाइन करने वाले हो, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड BHAR10 टू कम अंडर माय पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस, BHAR10, राइट। चलिए अब आते हैं किस पे, लेट्स कम टू द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। 4-5 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने DPP बनाया नहीं है, तो ज्यादा नहीं कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो बच्चे स्ट्रक्चर सिर्फ कर रहे थे दे कैन लीव, जो बच्चे सिर्फ स्ट्रक्चर कर लेते दे कैन लीव, राइट। जियोटेक स्टार्ट कर रहे, जो बच्चे जियोटेक कर रहे थे करेंगे मेरे साथ। चलिए पहला सवाल क्या आंसर आ रहा है,
सो पर्टिकुलर सोयल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू टेस्ट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ परमिटिविटी कोएफिशिएंट इन टू सेपरेट कॉन्सेंट्रेटेड परमियोमीटर्स हुज स्पेसिफिकेशंस आर एज अंडर डायमीटर ऑफ सैंपल दिया है, लेंथ ऑफ सैंपल दिया है. इफ बोथ द टेस्ट ऑफ द ऑन बोथ द परमियोमीटर्स आर कंडक्टेड विद द इक्वल हेड, हेड आपका सेम है, then the ratio of the amount of water discharged through the permeometer A and B during the period of 1 hour, time same है, ठीक है, आपको क्या बोल रहे हैं discharge कितना होगा, right? ठीक है, आपसे क्या बोल रहे हैं discharge कितना होगा, ratio of the discharge पूछ रहा है. तो मेरे दोस्त हम discharge बराबर क्या जानते हैं, K I A, यही हम जानते हैं, that is nothing but हम लिख सकते हैं क्योंकि ratio of discharge पूछ रहा है तो वी कैन राइट एज ए टू बी बोल रहा है, डिस्चार्ज इन ए टू डिस्चार्ज इन बी बोल रहा है, तो परमिबिलिटी इन ए टू द परमिबिलिटी इन बी, राइट, इन टू आई क्या होगा, हेड लॉस इन वन अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो इन वन अपॉन हेड लॉस इन टू अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो इन टू इन टू एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी, एकदम सिंपल तरीके से, यस और नो. अब सवाल में देखो क्या क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर सोयल सैंपल है, तो अगर सेम सोयल सैंपल ले रहे तो परमिबिलिटी सेम होगा डिफरेंट होगा, परमिबिलिटी विल बी सेम, तो एक कट गया. नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है, हेड ऑफ वाटर सेम विथ इक्वल हेड ऑफ वाटर, इक्वल हेड ऑफ वाटर कट गया, इक्वल हेड ऑफ वाटर कट गया. अब देखो लेंथ ऑफ सैंपल बोल रहा है, ए का लेंथ डबल है, ए का लेंथ डबल है, तो ए का लेंथ डबल है तो ये वाला टर्म 1/2 हो जाएगा, ये वाला टर्म 1/2 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ ए इज डबल दैट ऑफ द बी, तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दिस इज 1/2. अगला क्या बोल रहा है, डायमीटर, तो डायमीटर ए का डी है, बी का 2d है, तो ए के लिए आप क्या लिखोगे, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखोगे, पाई बाई 4 इंटू 2d का होल स्क्वायर, टेल मी यस और नो. सो पाई बाई 4 चला गया, पाई बाई 4 चला गया, तो 1/2 इंटू ये वैल्यू क्या हो गया, 1/8, दैट इज 1/4, सो द वैल्यू बिकम्स 1/8 व्हिच इज नथिंग बट 0.125, which is nothing but 0.125. The answer is C. Sorry. Clear है बात? Clear है बात सबको? तो सर आसान था, बस उसको apply करना था. खाली question देख के बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ था. लेकिन इसको क्या करना था? Apply करना था. This is a question of UPSC. UPSC में पूछा हुआ है. ये UPSC का सवाल है. IAS में आपसे पूछा हुआ था, आज इन IAS. तो क्या देखो, देख के क्या लग रहा है, नहीं बनेगा क्या, देख के क्या लग रहा है, नहीं बनेगा, मैंने पहले ही बोला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बनेगा, नहीं क्लियर है सब कुछ नहीं बनेगा. आ गया था ये आंसर, गुड, बढ़िया. नेक्स्ट, ये तो इजी है. इसलिए मैं ऑप्शन देना ही छोड़ दिया हूं, व्हाट इज करेक्ट आंसर देना ही बोल छोड़ दिया हूं, कि तुम अपने पहले अटेम्प्ट करो, आंसर पहले ही पता चल जाता है तो फिर तुम उसके अनुसार बनाते हो. सो वी नो दैट सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी, यस और नो?
सो हमको e पता है, n कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू e अपॉन वन प्लस ई, सो e आपका वन है, वन अपॉन वन प्लस वन डेट इज टू, ये हो गया 0.5, तो सीपेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 1/2 कर दो, दिस नथिंग बट 0.02, यूनिट आपका क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया ए। क्लियर है दोस्त, क्लियर है दोस्त, यस। चलिए नेक्स्ट, मैं गलती किया कि इसमें वॉइड रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी थी, अच्छा हुआ सेम आया। चलो इसको सॉल्व करते वक्त आपका ट्रिक यूज किया है, बढ़िया यूज किया है। तो हाँ सेम नहीं आएगा, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आपको दिया है, कांस्टेंट परमिटिविटी टेस्ट है, 4 मिनट है, वाटर कलेक्टेड 300 ml, हेड डिफरेंस इज 70 mm, डिस्टेंस बिटवीन मैनोमीटर टेपिंग इज 100 mm, डायमीटर ऑफ द टेस्ट सैंपल इज गिवन। तो सिंपल क्यू बराबर क्या ये लगाना था, सिंपल क्यू बराबर के आई ए लगाना था, क्यू इज व्हाट वेलोसिटी बाय टाइम, दैट वॉल्यूम बाय टाइम, परमिबिलिटी, आई इज एच बाय एल मल्टीप्लाई विथ एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आपके हो गया 300 ml, ml को हम सीसी बोल सकते हैं, 300 cc, 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, टाइम कितना आपको दे रहा है 4 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 4 × 60 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि तो आपको mm पर सेकेंड में जवाब देना है। तो cc यहां पे पर्मिटिविटी हो गया k, h by l, h कितना है आपका, h कितना है आपका 70 mm, लेंथ कितना है आपका 100 mm, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो यहां पे मेरा सीसी है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो मेरा आंसर निकालेंगे वो हम निकालेंगे अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम इसको कर रहे हैं पाई बाई 4 × 10 का स्क्वायर, कर सकते हैं क्या, पाई बाई 4 × 10 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, यस, पाई बाई 4 × 10 का स्क्वायर। तो अभी जो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा, जो भी हमने किया है, तो mm तो यही चला जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। कितना आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा है वैल्यू, ये 100 तो ये कट गया, 3 काट देगा 60 को 20 बार में, 20 काट देगा 100 को 5 बार में, 5 70 को काट देगा 14 बार में, है 4 कट गया, तो के बराबर क्या आ गया, के बराबर क्या हो गया पाई बाई 14, के बराबर पाई बाई 14 कितना आ रहा है, बोलो क्या, 0.0, इसमें बताओगे 0.0227 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है, ऐसा क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको आंसर किसमें देना है, mm पर सेकंड हो, तो क्या हो जाएगा 0.227 mm पर सेकंड, यही आ रहा है, यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये भी वैसे ही सवाल है, बस सवाल को घुमा के पूछा हुआ आपसे,
सेम सवाल है। अगेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला क्यू बराबर के आई ए, यस और नो? फिर से यही लगेगा। तो मेरे दोस्त आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, सैंपल इज 20 सेंटीमीटर हाई एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 8 सेंटीमीटर, वाटर फ्लोज थ्रू द सॉइल अंडर द कॉन्सेंट्रेट ऑफ 1 मीटर फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डिस्चार्ज कलेक्टेड इज 1.2 केजी। तो 1.2 केजी आपका जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सो माय डियर फ्रेंड, टू फाइंड द वॉल्यूम, टू फाइंड द वॉल्यूम आप क्या करोगे, टू फाइंड द वॉल्यूम आप क्या करोगे, 1.2 केजी दिया हुआ है, तो केजी पर 1.2 डिवाइडेड बाय 1000, तो यू गेट द आंसर इन मीटर क्यूब। आपका जो आंसर होगा वो किसमें आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। स्पीड कैसे बढ़ा, प्रैक्टिस से बढ़ता है स्पीड, और किसी चीज से नहीं बढ़ता है। और यहाँ पे आपको आवर में देना है जवाब, तो आपको यहाँ पे 15 मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 60 कर दे, डिवाइड बाई 60 कर दे टू कन्वर्ट इन द आवर। तो अब ये आपका नीचे में क्या हो गया, आवर हो गया, मीटर क्यूब पर आवर हो गया। परमिएबिलिटी आपको निकालनी है, एच कितना दिया हुआ है, हेड कॉजिंग फ्लो कॉन्स्टेंट हेड ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लो, 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना है। अब देखो हर जगह मैं यूनिट लिखते हुए चल रहा हूं क्या, अब देखो मैं हर जगह यूनिट लिखते हुए चल रहा हूं क्या। नेक्स्ट इनटू इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, अब देखो अगेन इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, पाई बाई 4 इनटू 0.08 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है वैल्यू परमिटिविटी का, आपका आंसर डायरेक्ट मीटर पर आवर में आएगा, कितना आ रहा है आंसर, 0.2, लॉक कर दे, 0.2 मीटर पर आवर, यस, 0.2 मीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, परमिबिलिटी को ही तो बोलते हैं, परमिबिलिटी को ही बोलते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज नथिंग बट परमिबिलिटी, के को बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक कंडक्टर वॉइड रेशियो ऑफ इतना इज गिवन, एस्टीमेट द हाइड्रोलिक कंडक्टर। तो भाई आपको पता है कि परमिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, के इज डिपेंडेंट ऑन ई क्यूब अपॉन 1+ई, वी नो दिस। तो भाई मेरे व्हाट वी कैन राइट, के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई टू क्यूब बाई 1+ई2 इंटू, नीचे में आ जाएगा ई वन क्यूब अपॉन 1+ई1, होगा क्या। तो अब यहां पे आपको परमिबिलिटी बताना है सेकेंड केस का, फर्स्ट केस का आपको गिवन है 0.02, यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है,
आपको सेंटीमीटर में ही निकालने बोला भी है, तो के टू बाई पॉइंट जीरो टू, ई टू आपका कितना हो गया, ई टू है पॉइंट सिक्स, पॉइंट सिक्स का क्यूब अपॉन वन प्लस पॉइंट सिक्स, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है पॉइंट फोर एट, और यहाँ पे क्या हो गया वन प्लस पॉइंट फोर एट, यही होगा दोस्त, यही होगा क्या, क्या वैल्यू आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है, के टू इज इक्वल टू पॉइंट जीरो थ्री सिक्स सेंटीमीटर पर सेकेंड, इज इट क्लियर टू एवरी वन, के टू इज इक्वल टू पॉइंट जीरो थ्री सिक्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब यहां पे टर्म आता है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी का, सुनोगे बात को ध्यान से, व्हाट इज दिस, ये मैं आपको थोड़ा पहले ब्रीफ कर दे रहा हूं, व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, ये आप ब्रीफ कर दे, नोट्स में भी आप ऐड कर लेना, ये नोट्स में भी आप ऐड कर लेना। देखो क्या होता है, के इज अ फंक्शन ऑफ, के इज अ फंक्शन ऑफ बोथ मैटेरियल, मैटेरियल एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी, दोनों का फंक्शन होता है, होता है क्या, परमिबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ बोथ मैटेरियल एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो अब मान लो अगर आपका दो मैटेरियल है, अलग अलग फ्लूइड है, तो उनकी परमिबिलिटी हम कंपेयर नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, यहां पे टर्म डिफाइन करते हैं के डैश, एंड दिस के डैश इज फंक्शन ऑफ ओनली मैटेरियल प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी दोस्त, इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली मैटेरियल प्रॉपर्टी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी रहेगी नहीं, कैसे नहीं रहेगी ये बताते हैं। अगर हम लिख रहे हैं के, तो हम के क्या लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग के एज सम, मान लो आपका मैटेरियल सेम है, सो सम कॉन्स्टेंट इन टू गामा बाई म्यू, दिस गामा बाई म्यू इज अ फ्लूइड प्रॉपर्टी, तो हम क्या कर रहे हैं, के एब्सोल्यूट परमिबिलिटी क्या लिख रहे हैं, के इन टू म्यू बाई गामा, तो जब परमिबिलिटी को म्यू बाई गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या वो सिर्फ मैटेरियल प्रॉपर्टी का फंक्शन रह जाएगा, क्या वो सिर्फ मैटेरियल प्रॉपर्टी का फंक्शन रह जाएगा, यस। तो अगर आप मैटेरियल बदलोगे तो बता सकते हो कि वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी में क्या चेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, जहां पे आप परमिबिलिटी को क्या कर रहे हो, म्यू बाई गामा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। चलो अब बताओ आंसर क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यूनिट अगर देख लेते एक बार, यूनिट मेरे को कुछ लग रहा है इशू है, यूनिट पहले हम यहां पे देख लेते, देखो तो के की यूनिट क्या होगी, के की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, पहले ऐसा यूनिट बात कर लेते मीटर पर सेकंड, म्यू का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, गामा की यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही होगा। तो अब अगर यहां देखें, न्यूटन न्यूटन चला गया, सेकंड सेकंड चला गया, है कि नहीं, मीटर स्क्वायर चला गया, एक मिनट, हाँ, और ये ऊपर जाके क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया क्या, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ भी तो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है बात, क्लियर है बात, बोलोगे, आपसे पूछ भी तो रहा है किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया, कैसे नहीं आया, यहां पे आपने यूनिट कन्वर्जन नहीं ध्यान दिया होगा, लुक एट दिस, ग्राम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, ग्राम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हो तुम,
ग्राम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सीजीएस सिस्टम, इसी को पॉइस बोलते हो, दिस इज द पॉइस, इसलिए तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा होगा, तुम कन्वर्जन नहीं किए होगे। फिर क्या, तो यहाँ तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, यहाँ तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि आपको यूनिट आपको सीजीएस में ही पूछा है, सारा डाटा सीजीएस में ही दिया हुआ है। पॉइंट 037 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। परमिटिविटी आपका 4×10⁻⁷ है, विस्कोसिटी गिवन है, तो अगर आप के बार निकालना चाह रहे हो, के बार निकालना चाह रहे हो, तो दिस इज 4×10⁻⁷। म्यू आपका हो गया 0.091 × 10⁴, और गामा, गामा क्या लिखो, इट इज नॉट डेंसिटी, इट इज गामा, इट इज नॉट डेंसिटी ना, ये डेंसिटी है क्या, ये डेंसिटी है क्या, हाँ यही गलती कर रहे हो तुम, इट इज नॉट डेंसिटी ना, ये गामा है, गामा है क्या, इट इज यूनिट वेट, इट इज यूनिट वेट। तो अगर ठीक है, अब यहां पे ऑब्वियस बात है, जब हम सीजीएस में लिख रहे हैं तो उसको हम न्यूटन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, विल सिंपल राइटिंग ग्राम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो दैट इज ग्राम पर सीसी, विल राइट ग्राम पर सीसी ओनली, कितना आ रहा है वैल्यू, जो भी आंसर आ रहा है वही आंसर है, जो भी आंसर आ रहा है वही आंसर है, 0.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होता तो न्यूटन, कुछ एरर है, देयर इज एरर, मैं समझ गया, एरर है, स्मॉल एरर इज देयर, ठीक है। चलो भाई, अभी तुम्हारे सामने तो निकलवाए हैं 10⁻⁷, 10⁻⁴, तो 0.36 कैसे आ रहा है आपका, हाउ यू आर गेटिंग 0.36, हाउ यू आर गेटिंग 0.36, हाँ लिखा तो है यहाँ पे 10⁻⁷। अरे तुम पूरा आंसर बताओ पहले हमको, तुम लोग पहले मेरे को पूरा आंसर बताओ, कितना आ रहा है, ये आंसर आपका क्या आ रहा है, 0.36×10⁻⁷, ये आपका आंसर आ रहा है, आपको यहाँ पे पहले ही बोल दिया 10⁻⁷, तो आपको जो बचा हुआ है वो बताना है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो बैक में स्टिफनेस आ रहा है, सो विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, है ना, आज ओके। सो माय डियर फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड BAR10 व्हेन एनीवन ऑफ यू जॉइनिंग, ठीक है, और आपको ऑब्वियस बात है यू कैन जॉइन द प्लस एंड आइकॉनिक बोथ, तो जो बच्चे प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं उनको बैचेस तो मिलते ही है, यू आर गोइंग टू लर्न द डाउट्स फ्रॉम द टॉप एजुकेटर, साथ ही साथ मेरे दोस्त अगर आप आइकॉनिक ले रहे हो तो आपके होम घर पे हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिंटेड नोट्स एंड PYQ बुक डिलीवर हो जाता है, सो यू गेट एक्सेस टू मोर देन 5600 प्लस क्वेश्चंस, यस टेस्ट आपका रात में होगा, सो माय डियर फ्रेंड व्हेन यू गो फॉर द गेट एंड ESC सब्सक्रिप्शन, दीज आर द फीस फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक, तो भूलना नहीं है व्हाट कोड यू हैव टू अप्लाई, द कोड इज नथिंग बट BAR10 BHAR10, ठीक है, और माय डियर फ्रेंड डोंट फॉरगेट, इफ अगर आपको लगता है कि आप एट टाइम में नहीं ले सकते, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गो फॉर द लोन, जहां पे मिनिमम 2 आवर में विद द सम पेपर वर्क आपका लोन अप्रूव हो जाएगा विद द फ्लेक्सिबल टेन्योर, है ना, सो भूलना नहीं है, चाहे कोई भी एडमिशन हो, चाहे वो गेट हो, ESC हो, स्टेट एग्जाम हो, एनी ऑफ द एग्जाम,
यू कैन अप्लाई द कोड बार 10 टू गेट द सब्सक्रिप्शन. ठीक है, थैंक यू. क्विज होगा, क्विज होगा, आज क्विज होगा. रात में आपका 9:30 क्विज है, 9:30 और 9 होगा. इट विल बी क्विज जो आपके प्लस के क्लास में दिया हुआ है, क्विज विल बी देयर. ठीक है ना. चलो मिलते हैं हम लोग, बाय बाय. टॉपिक टेस्ट जितना अब तक हो गया वो रहेगा, तो नोट्स को तो रिवाइज अच्छे से कर ही लेना, टेस्ट रहेगा. ठीक है, नोट्स को तो अच्छे से रिवाइज कर ही लेना. ठीक है, चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय.